लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना के मद्देनजर रक्त की कमी को दूर करने नवम्बई की एनसीपी की ओर से आज वासी में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां सैकड़ों नागरिकों और समर्थकों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर एनसीपी नेता शशिकांत शिंदे और जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े ने भेंट दी और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने इस रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश भोर के पहल की भी सराहना की और विश्वास जताया कि इससे जरूरतमंद लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। नवी मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने नागरिक और प्रशासन सबकी टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच हॉस्पिटलों में फिर से रक्त की कमी दिखने लगी है। इस कमी को पूरा करने राज्य सरकार के आह्वान पर आज नवी मुंबई एनसीपी ने वासी में रक्तदान शिविर लगाया, जहां सैकड़ों लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस अवसर पर एनसीपी नेता शशिकांत शिंदे और जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े खासतौर पर मौजूद थे। उन्होंने राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश भोर द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर की सराहना की और रक्तदाताओं का हौसला भी बढ़ाया। आज नवी मुंबई राष्ट्रवादी युवक कांग्रेसच्या वतीने या ठिकाणी अशोकजी गावडे असतील, राजेजी भोर असतील, बाकीचे सगळे आमचे पदाधिकारी असतील, त्या सर्वांनी आपण या रक्तदानाचं एक शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि चांगला प्रतिसाद आहे। शेवटी देशाच्या प्रत्येक असलेल्या घटनेमध्ये इथले तरुण, इथला नागरिक जागृत असतो, तो या कर्तव्याला कुठेही कमी पडत नाही अशा प्रकारचे चित्र आम्ही सर्वत्र पाहतो। आम्ही नवी मुंबईमध्ये नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये अशा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक तालुक्यामध्ये रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे आणि ह्या रक्तदान शिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांना आणि रहिवाशांना एक चांगल्या प्रकारचा दिलासा किंवा सहकार्य करण्याचं काम आम्ही पक्षाच्या वतीने करीत आहोत। आज नवी मुंबईमध्ये सुद्धा आम्ही नवी मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून, आमच्या युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून या ठिकाणी अत्यंत उत्कृष्टपणे आणि चांगल्या पद्धतीने रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। वहीं रक्तदान शिविर के आयोजक और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश भोर ने कहा कि कोरोना के कारण हॉस्पिटलों में रक्तदाता नहीं जा रहे हैं, इसलिए एनसीपी की ओर से हमने अब ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। उन्होंने रक्तदान में नागरिकों और समर्थकों के अच्छे प्रतिसाद पर खुशी जताई और अपने नेताओं की उपस्थिति पर आभार जताया। आज राष्ट्रीय युवक काँग्रेस पार्टी नवी मुंबईच्या माध्यमातून रक्तदान शिबिर इथं आयोजित केलेलं आहे। आज सकाळी 10 वाजल्यापासून तर सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत या कार्यक्रमाचं नियोजन आहे आणि चांगल्या पद्धतीचा युवक वर्ग आहे आणि पॅरेंटवर्गांच्या चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद आहे। आज कमी कमी 500 ते 1000 बाटल्यांचा आम्ही रक्तदान चा साठा तयार करण्याची आम्ही निर्मिती केलेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।